नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने कुछ एक जो हमारे मित्र हैं वो मिलने के लिए आए हैं, तो कुछ हम बातें उनसे करेंगे और कुछ जानेंगे कि टी शर्ट का बिज़नेस है वो कैसे हमें डेवलप करना है। अभी फ़िलहाल वो बिज़नेस है उनका जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर है और पिछले 6 महीना से वो इस काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रुप है। तो जानते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो सबसे पहले आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? हम लोग बोरुली से है। हम लोग का इंस्टाग्राम पे पेज है #जकास करके। हम लोग टी शर्ट बेचते हैं। हम लोग का फ्लिप कार्ड प्रॉपर मतलब इंस्टाग्राम पे? हाँ, इंस्टाग्राम। ठीक है, क्या रिस्पांस था आप लोग का? रिस्पांस मतलब हम लोग का टी शर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है प्रिंटिंग में। ठीक है, क्योंकि हम लोग जिसके पास जाते हैं ना, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या तुम लोग बच्चे हो, 4-5 बच्चे हो, क्या करोगे तुम लोग, मतलब डीमोटिवेट करते हैं हम लोग। 4-5 बच्चे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, मार्केट बहुत बड़ा है। ठीक है, आपने अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम सर्वेश मिस्त्री। सर्वेश। सर्वेश, पहली बात तो ये है कि देखो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो जैसे मेरे चलते हैं और ट्यूटोरियल मेरे होते हैं, तो उसमें मैं बताता हूँ कि जो स्क्रीन प्रिंटिंग या टी शर्ट का जो बिज़नेस है, चाहे कुछ भी हो, चाहे प्रिंटिंग करना है या आप सेलिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, इसका जो लाइफ है आने वाला जो 5 से 10 साल है, इसमें बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में ऐसे बहुत लोग रहते हैं, कंपटीशन होने की वजह से ऐसा करते हैं। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहूँगा अभी कि आप लोग अपने मार्केटिंग के लिए क्या क्या कर रहे हो? अभी फिलहाल तो हम लोग मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम ही यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, फ्रेंड सर्कल को ऐसा शेयर कर रहे हैं सब। अच्छा, देखो, अगर बिज़नेस आपको बड़ा करना है तो इसमें दो चीज़ें हैं आपको, या तो ऑफलाइन में काम करना है या तो ऑनलाइन में करना है। ऑफलाइन में क्या होगा कि आप लोग ओनली जो आपका सराउंडिंग में है, जो आप लोग रिलेटिव्स हैं, उससे ही आप लोग सेलिंग और परचेस कर पाओगे, बट आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा होगा। आप तो चाहते हो ना कि आपका सेल ज़्यादा हो, तो फिर आपको उसके लिए ऑनलाइन में आना पड़ेगा। ऑनलाइन में आओगे तो कैसे आप करना चाहोगे, कुछ इसका आइडिया लिया है आपने? तो हम लोग अभी वेबसाइट खुद का बनाने की मतलब सोच रहे हैं, स्टार्टअप वेबसाइट का। ठीक है, और अभी टाइम लगेगा उसको। देखो, होता क्या है कि वेबसाइट तो सभी लोग बनाते हैं, वो गो डैडी ऐसे ही बड़ा नहीं हो गया, वेबसाइट बनाना भी चाहिए। बट देखो, 2-3 टिप्स हैं, जल्दी कोई बताएगा नहीं आपको मार्केट में। इंस्टाग्राम पे आप हो, पहले तो आप अपनी डिज़ाइंस, अपना जो भी है डिज़ाइंस आप बना लो, एक 8 से 10 डिज़ाइन, एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए 8 से 10 डिज़ाइन बनाओ, उसको आप इंस्टाग्राम पे डालो। थोड़ा सा आपको स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जो भी टी शर्ट है आपका, स्टॉक आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशंस करो। पेड प्रमोशंस आप करोगे ना, तो उससे क्या होगा, आपका रीच बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ज़्यादा नहीं होता, इंस्टाग्राम पे एक 500 रुपया का कुछ लेता है, आई थिंक हफ्ते भर का रहता है कुछ, तो वो आप करोगे तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, इस पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। और ज़्यादा करके ये जो दूसरे जहाँ पे मैं देख रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा मैं ऐसे ऐप्स के, तो उनके पास पेड करने से अच्छा है कि आप इंस्टाग्राम पे करो। थोड़ा और अगर करना है तो फेसबुक पे आप पेड प्रमोशंस करो। हाँ फेसबुक पे पेड प्रमोशंस करो। उसके बाद जब आपका सेट हो जाता है तब आप वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट आप जल्दी लॉन्च करोगे ना, तो बाद में मॉडिफिकेशन में थोड़ा और पैसे आपके जाते हैं, मॉडिफिकेशन आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स आता है, तो वेबसाइट के लिए थोड़ा सा वेट कर लो और प्रमोशंस थोड़ा करो आप। प्रमोशंस जब आप करोगे ना, पेड प्रमोशन ज़्यादा नहीं होता, हफ्ते का महीने में एक बार करो या दो बार करो, 15 दिन महीने का पकड़ के चलो। प्रमोशंस आप जितना करोगे वो हिसाब आपका रीच आउट वहाँ पे होगा। ठीक है, और कुछ आप क्या पूछना चाहते हैं? कुछ नहीं, मतलब हम लोग को जो टेंशन था कि मार्केट में मतलब प्रिंटिंग की वजह से हम लोग को प्रॉब्लम आ रहा है कि कोई अच्छा प्रिंटिंग वाला नहीं मिल रहा है हम लोग को। नहीं, वो तो देखो नॉर्मल चीज़ है, ऐसा तो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रिंटिंग। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग करो, भी आप लोग करो प्रिंटिंग करो, क्योंकि इतना बड़ा टीम आप लोग लेके चल रहे हो। आप लोग का ब्रांड का नाम एक बार फिर से बताओ क्या है? #जकास इंस्टाग्राम पे। हैशटैग लगाना ही पड़ेगा, #जकास। ठीक है, और रेट क्या है, मतलब आपने क्या रेट रखा है अपने टी शर्ट का?
तो आपका ये जो 300 आपने जो चार्ज रखा है आपके टी शर्ट का, तो उससे कोई कम वाला भी है या? हाँ कम वाला भी है। कितने का रेट है? वो अभी आने वाला है 200 की रेंज चल रही है। 200 से करेंगे, ठीक है, वो भी अच्छा है। देखो होता क्या है कि सभी लोगों के पास इतना पॉकेट में पैसे नहीं होते कि वो टी शर्ट बाय कर सके, तो आप लोग को थोड़ा कम रेंज वाला भी एक टी शर्ट आपको उतारना पड़ेगा। रेंज रखा है 200-300 ऐसा। होता क्या है जैसे कि आप देख लो कि एक शैम्पू की बॉटल आती है, शैम्पू हेड एंड शोल्डर आप देखो, तो उसका जो बॉटल है आई थिंक वो 100 या 150 का आता है ना कुछ, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उसको ले पाते हैं। इसलिए क्या करते हैं कंपनीज, छोटा छोटा पाउच भी लेके आती है, ठीक है, मतलब जिसको नहीं हो पा रहा है तो वो छोटा पाउच लेके भी यूज़ करता है, उसका प्रोडक्ट वो ले लेते हैं, ठीक है। तो हमको भी ऐसा करना है कि हमारा ब्रांड तो है ही है, हमारा क्वालिटी वही मेंटेन रहे, बट सबके पास हमारा टी शर्ट ये जाए, इसके लिए थोड़ा सा रेट अपने को कम करना है उसमें, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई हैं, तो और बताइए आप क्या और जानना चाहते हैं? और बस मार्केट के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि मार्केट कैसे कैप्चर करें पूरा मार्केट। देखो ऑफलाइन मार्केट, ऑफलाइन नहीं, देखो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ऑफलाइन मार्केट मतलब आप जिधर बैठे हो, जिधर आपका ऑफिस है, जिधर आपका शॉप है, वो आपका कैप्चर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, उसके बाहर आप लोग नहीं कर सकते। आज से 20 साल पहले यही होता था, एक बंदा कहीं बैठा हुआ है, पूरा रेट एकदम कम कर देता था, बाकी पूरा एरिया वो कवर कर लेता था। बट आज यहाँ पे बैठ के बंदे लोग अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन में आना पड़ेगा। ऑनलाइन में मैंने आपको बताया, आपको इंस्टाग्राम, पहले आप इंस्टाग्राम करो, थोड़ा फेसबुक पे जाओ, हो गया तो वेबसाइट बनाओ, और थोड़ा पेड प्रमोशन करना पड़ेगा। पेड प्रमोशन करो, क्वालिटी थोड़ी मेंटेन करो, थोड़ा वॉइस, जैसे आप फ़ोन अगर आपको आते हैं तो उसमें थोड़ा आपको कस्टमर को वैसा ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा, तो कस्टमर आपसे टच में रहे, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें आपको काम करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। मैंने बहुत लोग को देखा है कि 4-4, 5-5 साल में सक्सेस हो गए। अगर आप देखोगे, चालू किया है बिजनेस, वो लोग ने कुछ 40-50 हज़ार से बिजनेस चालू किया, बट आज उनका टर्नओवर लाख में है। तो वैसा हमको रखना पड़ेगा, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, आदमी इसमें काम करता है, कोई भी बिजनेस, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेस रहेगा ना, आप देख लो, आदमी इसमें काम करता है, जाता है, जैसे थोड़ा सा सीखने के लिए जाएगा, सीखता है, फिर उसमें क्या आता है, उसमें 2-3 लोग नेगेटिव मिलते हैं, बोलते हैं अरे तुम इधर बिजनेस में किधर आ गए, ये बिजनेस ऐसा है, कुछ कमाने को नहीं मिलता, ऐसा है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमको डीमोटिवेट नहीं होना है। हम अगर मेरे को वो चीज़ अच्छी लग रही है, अगर वो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है तो मुझे वो करना है, बाकी वो किसको भी खराब लगे। क्योंकि देखो आजकल तुमने नोटिस किया रहेगा, सक्सेसफुल आदमी कौन हुआ है ज़्यादा करके, आप तो बोलते हैं ना ये पागल आदमी है, पर पागल आदमी ही सक्सेस होता है ना। फेसबुक का जो ये फाउंडर है, उसको कितने लोग ने बोला तू पागल ही है, उसको एक बार दोस्त लोग ने उसको दूर हटा दिया था, कोई उससे बात नहीं करना, ये नहीं करना, पर वो ऐसा आदमी था कि वो नहीं, मुझे ये करना है तो करना, उसको अच्छा लगा था वो चीज़, आज वो सक्सेस हुआ उसमें। तो ये तो बहुत हो गई बड़े बड़े लोगों की बात, तो वैसा हमको उनका जो लाइफस्टाइल है वो हमको अपने अंदर लाना, कि मुझे वो पता है ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। सचिन को क्रिकेट अच्छा लगता था, ठीक है, हाइट नहीं होने के बाद भी आज उसने खेला, और बहुत लोग उसको बोलते थे तुम्हारी हाइट नहीं है, तुम मत खेलो, बट उसको इतना अच्छा आया कि आज वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट बैट्समैन है वो। तो एक लाइन में बात यही है कि आपको जो अच्छा लग रहा है वो आपको करना है। कोई कितना भी आपको बोलेगा ना, नहीं ये इधर मत जाओ, वो गली मत जाओ, इधर मत जाओ, नहीं, मुझे ये मालूम है, मुझे कॉन्फिडेंस है, इसमें है सक्सेस है, मैं रहूँगा और मिलेगा ही। शाहरुख ने बोला है ना उसकी पिक्चर में, शाहरुख ने बोला कि आमिर खान ने बोला है, आमिर खान ने बोला 3 इडियट्स में ना, सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगी तुम अगर बराबर काम करते रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, हमको सिर्फ मूवी में दिखता है, मूवी में बताते हैं ऐसे, पर आप देखोगे ना तो बड़े बड़े जो ये जो ऑथर हैं या बड़े बड़े सक्सेसफुल आदमी लोग हैं ना, इन्होंने जो बुक्स लिखी है ना उनमें इनकी टैगलाइन है। हाँ, तो अगर और कुछ अगर आपको जानना है तो और आप पूछ सकते हैं। नहीं, हम लोग को बस अभी सिर्फ थैंक्स बोलना है आपको, क्योंकि आपके ऐसे मार्केट में कोई मिलता नहीं है जो मार्केट के बारे में इतना सब बता सके, सब जो है वो छुपाने पे खुद का बचा रहे। कुछ किसी को मिलने वाला नहीं है। नहीं, पर आपने हमें मोटिवेट किया थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा ही किया, नॉलेज तो दिया, नॉलेज भी दिया आपने, बाकी लोग जो नहीं,
जो बाकी लोग ना आने ही दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग और भी घूमे फिरे बहुत किया है। वो लोग हम लोग को बोलते थे क्या तुम बच्चे लोग चार पांच जन मिल के स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नहीं हो सकता तुम लोग, मार्केट इतना बड़ा है, तुम लोग इतने छोटे हो। मार्केट ठीक है, अभी वो बोले घूमता वो है, वो तो जाने दो, उनके ऊपर है, उनकी बात है। बट वही है, आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक और आप लोग अच्छे से करो। मेरे पास से जितना हो जाएगा उतना मैं करेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए।